कुरुक्षेत्र की पिहोवा सदर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। नकली पुलिस कर्मचारी बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिहोवा सदर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना पुलिस में 2021 में केस आया था, जिसमें कुछ लोग नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने, चेन स्नैचिंग आदि के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी पेंडिंग थी। इन्हीं मामलों में कार्रवाई करते हुए पिहोवा सदर पुलिस ने नकली पुलिस कर्मचारी बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको आज कोर्ट में पेश करके दो दिन का रिमांड भी हासिल किया गया है। ये हमारा 2021 का केस है, 379B का केस है। ये हमारे पीडीपी पे ना खोज कर ले गए थे। ये 2021 का केस है। इस संबंध में है ना, हमने राम सिंह है, ये कासिमपुर जाखड़ का है, अत्याबाद में। एक अशोक है, जयपाली सच्चा खेड़ा धर्माड़ा का पड़ता है। ये पहले भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, जो इसको हमने कल गिरफ्तार किया है शाम को। अब इनका हमने रिमांड लिया है दो दिन का, ये पूछताछ कर रहे हैं। जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी तब आएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ। तो ये क्या बताते हैं अपने आप को, ऐसे जो ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड करके हम पैसे ले लेते हैं। भाई मैं आपका ये करा दूंगा, इस टाइप से इनके खिलाफ स्नैचिंग के केस हैं। अपने आप को कौन सा अधिकारी बताते हैं? ये पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, अधिकारी डिपार्टमेंट से है। पुराना केस है, इनसे हमने वर्दी भी रिकवर करी है। अब इनसे जो पैसे जो छीने थे वो रिकवर करने हैं, उनका रिमांड लिया, बाकी और पूछताछ करनी है, इसलिए हमने इनका पुलिस रिमांड। नकली पुलिस कर्मचारी बन लोगों को ठगने के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को कोर्ट ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी क्या कुछ खुलासे करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।